आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग दो चार दिन से ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है। उसको पता नहीं मेरे खिलाफ़ कोई भड़काते रहते हैं, मेरे बारे में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। और दो दिन से देखते हैं मेरा और उनका बनता नहीं है। बाबू को भी वो प्यार नहीं करता, आप देख सकते हो बाबू का हालत कैसा हो गया है। और बाबू को भी प्यार नहीं करते और पता नहीं हमेशा किस मूड में रहते हैं। आजकल शराब भी पीने लगे हैं, दोस्त लोग के साथ रहते हैं। एक दिन संडे जब हम लोग का संडे से लड़ाई हुआ था, तो संडे को जब वो लड़ाई करके निकले थे तो दो दिन तक घर नहीं आए थे। उसके बाद आए तो ना हमसे बात करते हैं ना कुछ बोलते हैं, तो मैं भी चुप चुप ही रहती हूँ। मुझे डर लगता है क्योंकि अगर मैं उसे कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे मारने लग जाते हैं और मेरे पे ईंट भी उठा लेते हैं मारने के लिए, मोटा मोटा। मैं डंडा दिखा रही हूँ आप लोग को, वो हमको मार उस डंडा से पीटने भी लगते हैं। तो इसीलिए बाबू को भी कभी नहीं लेते हैं। तो मैं जैसे तैसे बाबू को लेकर के सारा काम सब करती रहती हूँ, कभी बाबू को नहीं लेते हैं। मेरा तो मतलब अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा प्यार करके शादी करना ना बहुत गलत था। क्योंकि मतलब प्यार करके जो शादी होता है ना, तो उसमें अगर आपका हस्बैंड आपको कुछ बोलता है ना, तो आप किसी को बोलने का मतलब मौका नहीं देते हो। मतलब इतना ज़्यादा मुझे अब फील हो रहा है क्योंकि वो शराब पीते हैं, तो अब मैं उसे रोक भी नहीं सकती हूँ। ऐसा स्थिति मेरा हो गया। और मुझे हमेशा पीटने की बात करते हैं, मुझे हमेशा धमकी देते रहते हैं कि तुम्हें बहुत पीटेंगे अगर तुम किसी को ये बात बोलेगी तो। ये वीडियो मैं बहुत डर के बना रही हूँ। और बाबू को भी वो प्यार नहीं करते, बाबू को कुछ ला करके भी नहीं देते। नहीं तो पहले चॉकलेट बिस्किट लॉलीपॉप सब ला के देते थे, बट अब ला के नहीं देते। मुझे बहुत उनसे डर लग रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए और मेरी मदद कीजिए और प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ प्यार से रहे और शराब नहीं पिए। और जो लोग उसको उकसा रहे हैं मेरे खिलाफ़, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो उनके खिलाफ़ मत उकसाइए, मेरा घर मत उजाड़िए। आपको इनसे क्या मिलता है? वो कोई औरत है जो उसको ना बार बार मेरे बारे में कुछ से कुछ बोल रही है। हो सकता है उसको पसंद आ गई हो वो, और उसकी वजह से वो मुझे अपने उसके रास्ते से हटाना चाहती है। वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि तुम हमको डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दो। बता मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई अब तो है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे डिवोर्स दे के कहीं और जाऊँगी। मुझे बार बार मुझे इतना परेशान करते हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। दिन रात आजकल लड़ाई होता है ना, मेरा बनाया हुआ खाना खाते हैं, नहीं तो हम लोग क्या ब्लॉग नहीं बनाते क्या? और मैं उनको बोली थी कि मैं ना इस पे वीडियो बनाऊंगी, तो बोली थी अब वीडियो नहीं डलेगा यूट्यूब पे, और कोई भी वीडियो नहीं डलेगा, और तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा, अब मैं सारा रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे इस टाइप से बोलता है, आजकल इतना बदमाशी करता। मैं उनके साथ बिल्कुल कुछ नहीं हूँ क्योंकि मैं तो इतना कुछ त्याग चुकी हूँ अपने फैमिली वाले को, सारे कुछ। आप जानते हो कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, हमारी अब एक बेटी है। और इसके बावजूद भी कोई उसको भड़का रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो, उसको छोड़ दो। तो प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसा नहीं करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अब क्या ही बोलूँ आप लोग को, मतलब मुझे ना इतना अंदर ही अंदर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं जानती हूँ मेरे मम्मी पापा, मतलब ना ये सब चीज़, अगर मम्मी पापा की मर्ज़ी से हमारा शादी होता ना, तो ये सब चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करता। और ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। 5-7 साल से मैं बाहर जॉब करती थी, किसी को हिम्मत नहीं हुआ था कि हमारे मुंह पे बोलने का, बट आज वो हमसे जोर जोर से बात करते हैं, कब मेरा बनाया हुआ खाना फेंक देते हैं। इतना अच्छा से मैं खाना बनाती हूँ और बोलते हैं कि तुम्हारा खाना ही अच्छा नहीं होता है तुम्हारे। तो प्लीज़ हमारी मदद करो, मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ आप लोग से बस इतना एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो जो भी लड़की है ना उनके पास वीडियो चला जाए और उनको ये पता चल जाए कि उनका उनके बारे में ना यूट्यूब पे चला गया। मैं उनका फ़ोटो भी आप लोग को दिखाऊंगी, उनका कॉल रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, वो कहाँ से बिलोंग करती, मैं सारा कुछ बताऊँगा। वो बहुत हरामी है, एक नंबर की हरामी है, जो मेरा घर उजाड़ना चाहती है, सारा कुछ जानते हुए कि हमारा लव मैरिज है, हम अपने मम्मी पापा को छोड़ के आए हैं, अब हमारी एक बेटी है, तो भी वो हमारे साथ ऐसा करता है। बाबू को मैं बता, बाबू को मैं 4 दिन से मैं प्यार नहीं करती हूँ, मुझे इसको भी मैं मारने लगती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। संडे से हम लोग कहते थे बहुत खराब चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें कमेंट पर बताइए वो हमारे से हमसे लड़ाई नहीं करे, प्लीज़ घर में शांति से रहे, जो भी है खाने के लिए शांति से रहे, खाए और रहे और लड़ाई नहीं करे।
क्योंकि कोई लड़की अगर उसको उकसा रही है तो उसमें उसका गलती है मेरे खिलाफ। उनको तो हम पे बिलीव होना चाहिए ना कि कैसी है नहीं है, कुछ से कुछ वो बोलते रहते हैं। अब देख सकते हो बाबू पहले कितना बदमाशी करते, आज पूरा शांत है, 2 दिन से ये भी शांत हो गई है क्योंकि मार बहुत ज़्यादा खाती है ना इसीलिए। क्या बेटा है ना, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मार खाती, प्लीज़ मेरे लिए ना सही, मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी मदद कर दो। क्या बेटा है ना,